भारत पाकिस्तान का राजनीतिक रिश्ता कैसा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 26/11 हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच एक भी सीरीज नहीं खेला गया, क्योंकि भारत का कहना है कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करे, तब जाकर भारत किसी भी तरह के सीरीज खेलने की पहल करेगा। इसलिए 26/11 के बाद से ही अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक भी सीरीज नहीं हुआ, ना ही भारत पाकिस्तान जाता है और ना ही पाकिस्तान भारत आता है। अब चूंकि अगले साल एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है, ऐसे में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऐलान कर दिया था कि एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, बल्कि ये टूर्नामेंट किसी तीसरे देश में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि वह 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी को लेकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने दावा कर दिया है कि पाकिस्तान के हिम्मत नहीं कि वो भारत में 2023 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे। चलिए आपको तफसील से बता देते हैं कि आकाश चोपड़ा ने क्या कुछ दावा किया है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी घोषणा पर कायम नहीं रह सकता और निश्चित रूप से 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजेगा। आकाश चोपड़ा ने एक YouTube चैनल पर कहा, यदि भारत भाग नहीं लेता तो एशिया कप नहीं होगा। वर्ल्ड कप की तुलना में एशिया कप एक छोटा टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप छोड़ने का मतलब है कि आप ICC द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व की एक बड़ी राशि समाप्त कर देंगे। आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, देश की आर्थिक ताकत होने के कारण एशिया कप भारत के हिसाब से चलेगा और इस आयोजन के स्थगित होने की संभावना है। ACC एक संघ है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारत ACC से एक भी पैसा नहीं लेता है, लेकिन हर कोई ACC खजाने से एक निश्चित राशि लेता है, चाहे 40 लाख हो या 80 लाख। आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, भारत ACC में एक बड़े भाई की भूमिका निभाता रहा है। अगर यह कहा गया कि टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकती है, तो मैं आपको यह लिखित में दे सकता हूँ कि भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा। एशिया कप भी तथस्थ स्थान पर होगा और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप भारत में खेलने जरूर आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं लिखित में दे सकता हूं। तो इस तरह से आकाश चोपड़ा ने दावा कर दिया है। आपको बता दें कि भारत 23 अक्टूबर को मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा और फिलहाल दोनों ही टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं। इसी बीच अगले साल होने वाले एशिया कप को लेकर अभी से ही विवाद शुरू हो गया है। वैसे आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो दावा किया है, उससे आप कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं।